हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। तो गाइस, आज की ये वीडियो गेमर्स के लिए बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि Xiaomi की सब ब्रांड कंपनी Redmi अपने नए फ्लैगशिप लाइनअप Redmi K50 सीरीज को लॉन्च करने की तैयारी में है। और र्यूमर्स से ये पता चला है कि Redmi अपने K55 सीरीज में 4 फोन डेब्यू करने वाला है, जो कि है Redmi K50, Redmi K50 Pro, Redmi K50 Pro Plus और Redmi K50 Gaming Edition, जो कि पावर्ड होगा Dimensity 8000, Snapdragon 870, Dimensity 9000 और Snapdragon 8 Gen 1 से। हालांकि अभी तक ये ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया गया है कि कौन सी फ़ोन पहले रिलीज़ किया जाएगा, पर रिपोर्ट के हिसाब से ये ज़रूर पता चला है कि K50 Pro Plus से पहले Redmi अपने K50 Gaming Edition को लॉन्च करने वाला है। Redmi के जनरल मैनेजर लू वीबिंग ने अपने ब्लॉग पोस्ट में यूज़र को रिप्लाई देते हुए कहा है कि Snapdragon 8 सीरीज़ की फ़ोन Dimensity चिपसेट की फ़ोन से पहले लॉन्च किया जाएगा। इससे ये पता चलता है कि Redmi K50 Gaming Edition में Snapdragon 8 Gen 1 की चिपसेट आएगी और Redmi K50 Pro Plus में MediaTek की Dimensity 9000 चिपसेट से फीचर किया जाएगा, जो कि अभी तक रिलीज़ नहीं किया गया है। तो चलिए देखते हैं Redmi K50 Gaming Edition की कुछ एक्सपेक्टेड स्पेसिफिकेशन। पर उससे पहले, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो लीक से पता चलता है कि Redmi K50 Gaming Edition में एक बड़ी सी 6.67 इंच की OLED कर्व्ड एज पैनल डिस्प्ले होगी, जो कि फुल HD प्लस रेजोल्यूशन को सपोर्ट करता है, और स्क्रीन में गोरिल्ला ग्लास विक्टस की प्रोटेक्शन भी होगी। और फोटोग्राफी के लिए इस फोन में 16 मेगापिक्सल की फ्रंट कैमरा देखने को मिलेगा, और रेयर साइड की तरफ कहा जा रहा है कि ट्रिपल रेयर कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, जिसकी मेन कैमरा 64 मेगापिक्सल की होगी और 13 मेगापिक्सल और 2 मेगापिक्सल की सेकेंडरी कैमरा होगी। और इस फोन को स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 से पावर किया जाएगा, जिसमें डुअल VC लिक्विड कूलिंग, जो कि लंबे समय तक गेमिंग करने पर सिस्टम की हीट को कूल करने में हेल्प करेगी। और साथ ही हमें गेमिंग शोल्डर ट्रिगर और साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर भी देखने को मिलेगा। और ये भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि Redmi K50 गेमिंग फोन में 4700 mAh की बैटरी मिलेगी, जो कि 120 वाट फास्ट चार्जिंग के सपोर्ट के साथ आएगी, जो कि 17 मिनट में ही फोन को फुल चार्ज कर देगी। और Redmi ने पहले ही अनाउंस कर दिया था कि K50 सीरीज को फरवरी के महीने में ही लॉन्च किया जाएगा। और लू वीबिंग की रिसेंट पोस्ट से ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इस फोन को इसी महीने फरवरी के सेकेंड वीक में चाइना में लॉन्च किया जा सकता है। तो बस गाइस, अभी के लिए इतना ही। और भी फर्दर डिटेल्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी के लिए पीस आउट।